वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल टर्म नो एंड नॉट में डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अनजाने में नो के जगह नॉट और नॉट के जगह नो प्रयोग कर देते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, नो और नॉट दोनों सेम नहीं है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि नो और नॉट में यदि कुछ डिफरेंस है तो क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तो मीनिंग के हिसाब से यदि देखें, हम हिंदी मीनिंग को देखें, तो नो मीन्स नहीं, नॉट मीन्स भी नहीं, तो ज्यादा मेजर डिफरेंस इसमें नजर नहीं आता है। लेकिन ग्रामेटिकली जब हम इसको देखेंगे तो क्लियर डिफरेंस दिखाई देगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा यह टॉपिक। देखिए, नो का प्रयोग हम लोग एज एन एडजेक्टिव कर सकते हैं, जैसे नो नो कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं और करते भी हैं, जैसे नो मैन कैन डू दिस। ठीक है, यहां देखिए, नो के बाद मैन, मैन नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहां पर नो एडजेक्टिव हो गया। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, देयर वेयर नो क्लाउड्स इन द स्काई। यहां देखिए, नो क्लाउड्स ये नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहां पर क्लियर दिख रहा है कि नो एडजेक्टिव है। डियर स्टूडेंट्स, एक और डिफरेंस है, एक और यूज है नो का। यहां तो एज एन एडजेक्टिव यूज हमने दिखलाया, इसको हम एज एन एडवर्ब भी यूज करते हैं। कब करते हैं? जब किसी क्वेश्चन का आंसर हम नो में देते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने हमसे पूछा, मान लीजिए, कैन यू डू दिस। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो आप आंसर कहते हो नो आई कांट, ये शॉर्ट में, या आई कैन नॉट डू दिस। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स, नो क्या बन जाता है? यहां पर नो को बोलेंगे एडवर्ब। यहां पर नो जो है एज एन एडवर्ब यूज हुआ, यानी जब किसी क्वेश्चन का आंसर नो आया तो समझ लीजिएगा वह एडवर्ब की तरह नो का वहां यूज हुआ। ठीक है, तो यहां पर नो जो है एज एन एडवर्ब यूज होता है, बस इतना याद रखना है। चलिए अब नॉट को देख लेते हैं। नॉट याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, यह कभी भी एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं किया जाता। जब भी इसको यूज करेंगे तो यह एडवर्ब की तरह ही यूज करेंगे, यानी नॉट जो है कह सकते हो 100% एडवर्ब है। ठीक है, एडजेक्टिव तो बिल्कुल ही नहीं है। आप देखो,
जैसे ऐसे लिखिए, यू आर नॉट रीडिंग, तो रीडिंग के आगे नॉट लगा है, रीडिंग आपका वर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब का काम है टू क्वालिफाई ए नाउन और अ, सॉरी, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां आप देख रहे हो कि नॉट रीडिंग रीडिंग को क्वालिफाई कर रहा है, रीडिंग वर्ब है इसलिए नॉट एडवर्ब है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप बहुत सारा जो है एग्जाम्पल ले सकते हो नॉट का प्रयोग, जहां हम करते हैं, ठीक है। यहां पर भी देखो, आपने नॉट का प्रयोग किया तो ये भी एडवर्ब है, ठीक है। और भी देख लो, यू कैन नॉट डू दिस, हालांकि कैन और नॉट एक साथ लिखा गया है यहां, लेकिन नॉट जो है, ये जो नॉट इसमें यूज हुआ तो वह भी देखो वर्ब के पहले है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, डू नॉट गो देयर। चलिए, क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है योर एकेडमी मुनीलाल सर के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, आपके मन में यदि किसी भी तरह का कोई डाउट्स है, चाहे वह मैथ का हो या इंग्लिश का हो, आप अवश्य ही हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स फिर अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो डियर स्टूडेंट्स डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।